दिस इज प्रमित और आप लोग देख रहे हो प्रमित मोटर ब्लॉग्स। टाटा टाटा। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा मेरे एक दोस्त के पास उसको पिकअप करने, उसके बाद आज इसका टेल टायर चेंज होने वाला है, ठीक है। और कल रात को मैं इसका मिरर खोल दिया था, तो अभी निकलते हैं अभी। टाटा। हेलो। अभी कुछ बज रहा है सुबह के, पाँच बोल रहा हूँ, सुबह का 10:30 ऐसा कुछ बज रहा है, ठीक है। ओ एक्सक्यूज मी। और मैं अभी निकल पड़ा हूँ थोड़ा, मुझको भी जाना है थोड़ा चात्रा के साइड पे, उसके बाद मुझको जाना पड़ेगा राणा का दुकान में, क्योंकि मैं कल रात को राणा का मेरा घर के सामने से जा रहा था, तो मैं भैया को एडवांस कर दिया था मुझको एक टेल टायर लेना है भैया से। और इस गाड़ी में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, पुलिया के आने के बाद इसका चेन वेन ल्यूप कराना अब तक नहीं हुआ है मेरा, तो मैं गाड़ी छोड़दा को दूंगा तो वहाँ पे टेल टायर लगाना होगा। और वहाँ पे मतलब जो जो काम है गाड़ी का छोटा मोटा काम वो होगा। और आप लोग मुझको कमेंट करके बताओ कि गाइस मिरर के सिवा कैसा लग रहा है यार। मुझको तो भाई बहुत ही सेक्सी लग रहा है गाड़ी, और भी ज़्यादा एग्रेसिव मुझको फील हो रहा है, मतलब दिख रहा है एग्रेसिव, ठीक है। लेकिन मुझको घर में भाई बहुत ज़्यादा डांट पड़ रहा है यार इसके लिए, क्योंकि मम्मी बोल रहा है यार तुम इतना हाईवे यूज़ करते हो विदाउट मिरर चलाना ठीक नहीं है। मैं बोला हाँ पता है यार मम्मी ठीक नहीं है, लेकिन भाई मुझको भाई पसंद आ रहा है यार, क्या कर सकते हो यार थोड़ा। इससे सोचा हूँ कि 2-3 दिनों के लिए मिरर खोल देता हूँ, फिर से इंस्टॉल कर लूँगा। मतलब इंस्टॉल करना इतना टफ नहीं है, ईजी टू इंस्टॉल है। तो गाइस आप लोग वीडियो को एंजॉय करते रहो और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। क्या कर रहे हो आप लोग, प्यार बरसाओ प्यार बरसाओ, भाई आपके लिए वीडियो कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग आ गए श्रीरामपुर बोरसोला पे, अभी हम लोग इधर से जाएंगे सीधा। ये देखो अंकल आ गया, और गाइस अभी श्रीरामपुर का टेम्परेचर भाई बहुत ही ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। अभी कुछ सुबह था 12 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ था, अभी है फिलहाल से शायद से मुझको लग रहा है अभी 14 के आसपास होगा, ज़्यादा मतलब क्या ज़्यादा बड़ा नहीं है टेम्परेचर, वही पकड़ के चलिए 14 ऐसा कुछ है। और टेम्परेचर मतलब वेदर ठंड है, ये देखने का सबसे बढ़िया बात है कि फोर व्हीलर के एग्जॉस्ट से धुआं निकल रहा है। तो गाइस ये है श्रीरामपुर वायघाट, अभी मैं यहाँ से भाई बहुत दिनों के बाद आया हूँ भाई वायघाट के यहाँ पे। और उधर है भाई बैरकपुर, ठीक है। एक दिन अगर टाइम होगा तो बैरकपुर पे भी जाएंगे, घूम के आएंगे एक बार। और यहाँ पे ना भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा रश ड्राइविंग होता है, ठीक है। मतलब समझ सकते हो मैं किन लोगों का बात कर रहा हूँ, हाँ भाई छपरी भाई लोगों का पूरा भरा रहता है कभी कभी, इसलिए मुझको ये जगह उतना पसंद नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद ऐसा नहीं करता कभी। हाँ भाई कभी कभी रश चला लेता हूँ, लेकिन भाई सेफ्टी के चलते चलाता हूँ, हेलमेट रहता है, लेकिन इन लोगों का भाई कुछ नहीं रहता है सर पे, पूरा एकदम सुगरन की तरफ चलाता है ये लोग। अरे भाई कितना जैम है भाई, आज संडे है ना आज, और संडे में सिटी में चलाना भाई रिएक्शन अच्छा मिलता है और हैरेसमेंट भी फेस होता है। और इसका पिकअप देखा कैसे निकला तुम्हारे भाई ने। भाई सर अभी ले लिया टेल टायर, आपको दिखा देता हूँ एक बार से, कहाँ रखा यार, अभी तो लिया जस्ट। ये रहा टेल टायर मैग्नेटिक वाला, ये अभी लगेगा यहाँ पे भाई, ऐसा ऐसा लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे क्या होता है, इसका सीन रहता है कितना दिन तक चुकता है भाई। स्टॉक ना पेट भाई रखना तो है। एनाम एनाम एनाम। तो अभी निकलता हूँ यहाँ से और चलो चलते, गाड़ी का पीछे का चक्का का प्रेशर थोड़ा कम लग रहा है भाई, आगे हिल जा रहा था अभी, चलो ठीक है निकलता हूँ, दिक्कत नहीं है। जान जान जान। तो अभी चलना पड़ेगा धर्मतला, श्रीरामपुर धर्मतला जाना पड़ेगा, कोलकाता वाला नहीं श्रीरामपुर वाला, ठीक है।
आप लोग कोलकाता सोच के गलती मत कर लेना। और ये R15S भाई अच्छा गाड़ी है। भाई मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ ना, ये मुझे चलाना नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास ना मिरर्स नहीं है यार, विदाउट मिरर नहीं चाहिए यार, लेकिन क्या करे, मेरा स्टेप खुल गया है, रुकना पड़ेगा। भाई सर अभी ले लिया है टेल आईडी, आपको दिखा देता हूँ एक बार से। कहाँ रखा यार, अभी तो लिया जस्ट। ये रहा टेल आईडी मैग्नेटिक वाला, ये अभी लगेगा यहाँ पे भाई, ऐसा ऐसा लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे क्या होता है, इसका सीन रहता है कितना दिन तक चकता है भाई। स्टॉक नंबर प्लेट भाई रखना तो है। एराम। तो अभी निकलते हुए यहाँ से और चलो चलते, गाड़ी का पीछे का चक्का का प्रेशर थोड़ा कम लग रहा है भाई, आगे हिल जा रहा था अभी। चलो ठीक है निकलता हूँ, दिक्कत नहीं है। जान जान जान। तो अभी चलना पड़ेगा धर्मतला, श्रीरामपुर धर्मतला जाना पड़ेगा, कोलकाता वाला नहीं श्रीरामपुर वाला, ठीक है। आप लोग कोलकाता सोच के गलती मत कर लेना। और ये R15S भाई अच्छा गाड़ी है। भाई मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ ना, ये मुझे चलाना नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास ना मिरर्स नहीं है यार, विदाउट मिरर नहीं चाहिए यार। गाड़ी दे दिया, नाम प्लेट भी दे दिया, मतलब टेलर दे दिया। अभी चलो निकलते हैं यहाँ से और अभी टोटो लेते हैं, लेके फिर घर जाके आप लोगों से मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस पिछले वाले वीडियो में देखे मैंने नाम प्लेट इंस्टॉल कर लिया, लेकिन इस पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि ये जब फोड़ा है ना, यहाँ का एक स्क्रू ढीला है, ठीक है। तो मैं ये वाला चेंज कर दूंगा, मैं एक अच्छा कंपनी का लगाने वाला हूँ भाई, ठीक है। तो फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं नंबर प्लेट को। और अभी मैं जा रहा हूँ आमिर दा का घर के वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मेरा कुछ काम है गाड़ी का, आमिर दा भी आ रहा है, ठीक है। तो अभी आमिर दा कल शाम को इधर आया था हम लोग के, अभी मैं सब ब्लॉग शूट नहीं किया था, ठीक है। हाँ हाँ ना ना एकदम हाँ। तो उस दिन मतलब मैं अभी तो आएगा श्रीरामपुर का, मतलब हम लोग का जो नौगा मोड़ है ना, वहाँ तक आएगा अभी तक, क्योंकि अभी तक कौनगढ़ पे है। तो अभी तक को बैक करना है घर, तो अभी तक को इधर से बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं भी अभी निकल रहा हूँ, अभी निकलते हैं। अभी तो आ गया, आंटी भी है साथ पे। अभी तो महाबारी गया था, मतलब उन लोगों का रिलेटिव के घर पे गया था, तो वहाँ से लौट रहे, वो कौनगढ़ पे है, तो यहाँ पे मुझको रुकने को बोला, तो एक साथ निकल जाएंगे हम। भाई क्या बैक फायर मार रहा है, क्या बोलते हो, मैं भी लगा लूं बैक फायर अभी। भाई लिटरली भाई लोग और के देख रहे हैं यार, क्या जा रहा है। अभी पुलिस पकड़ लिया था, चुचुरा पुलिस स्टेशन से हम लोग निकल रहे हैं, बिकॉज ऑफ इट सब हुआ इसके लिए। और इसका ओनर है ये जहील इंसान है एकदम, मैं आपको पहले दिन से ही बोल रहा था ना, जहील इंसान, ये एक नंबर का जहील इंसान है। नहीं गाइस जस्ट जोक्स अपार्ट, हम लोग आए थे एप्लीकेशन जमा देने के लिए, ये लिख दिए चलो लिख दिया होना, तो नहीं हुआ है। भाई धीरे धीरे करके गाड़ी घुमा लेते यार, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है। रे बाप रे, भागो भागो, नो रे बूम से एकदम धीरे धीरे करके निकलते चलो।
तो गाइस अभी गाड़ी का काम चालू है फुल टू, और ये कैमरा भी मेरे पास है, और ये प्रोमित मोटर ब्लॉग एक्सपोज्ड। तो गाइस आप लोग जो भी हो प्रोमित के सब्सक्राइबर, मेरे को पहचानते हो सर ज़रूर, तो इसको भाई को सब्सक्राइब करो और भाई को भी सपोर्ट करो अच्छे से, क्योंकि भाई भी बहुत अच्छा कंटेंट लाता है आप लोग के लिए। तो अभी भाई आया है मेरे घर के इधर, तो इसलिए मैंने पूरा दायित्व ले लिया है भाई का, सब काम करा के एकदम गाड़ी वाड़ी ठीक करके एकदम भाई को घर भेजूँगा। तो फिलहाल जब भी वो यहाँ आता है मैं पूरा एकदम खातिरदारी करता हूँ उसका, करता हूँ आपका। आप मेरा जान हो। सारा पार्ट्स ले लिया, और ये सौरभ भैया बहुत ही अच्छा, थैंक यू दादा, थैंक यू थैंक यू। तो बहुत ही अच्छा टेल टाइटी मिला है, और फ्लोक स्लाइडर था ना, वो फ्लोक स्लाइडर, तो फ्लोक स्लाइडर और क्या लिया, और क्या लिया, क्या लिया, और टेल टाइडी। मेरा जो टेल टाइडी लगा था एकदम बेकार था, अब अच्छा वाला लगाएंगे। तो सब लोग विजिट करना भैया का दुकान में, ये दुकान है तालडा के एकदम एपेलो फार्मेसी के एकदम ऑपोजिट पे भैया का दुकान है, तो आके सब लोग विजिट करना। तो गाइस फाइनली मैं श्यामपुर मतलब बैक कर रहा हूँ, अभी कुछ बज रहे 6:15, और हमने लंच किया है 5:00, और आधा घंटा का रेस्ट लेके अभी निकल गया, और मैं प्यारापुर आ भी चुका हूँ भाई। मैं बीच में कैमरा को ऑफ कर दिया था क्योंकि मेरे गोप्रो में चार्ज नहीं है, और अभी घर पहुँचते पहुँचते लगभग मुझको और भी 10 मिनट लगेगा यहाँ से, ठीक है। तो आज का वीडियो भाई यहाँ पे एंड करते हैं भाई, और गाड़ी का पूरा, अब गाड़ी पूरा लोडेड होने वाला है भाई, ठीक है। मैं ये आपको बोल सकता हूँ वन ऑफ द सेक्सीएस्ट एंड लोडेड विदाउट एग्जॉस्ट, अगर आप लोग कमेंट डाउन करोगे तो मैं एग्जॉस्ट भी इंस्टॉल कर लूँगा,